तो आप चाहे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या युवा हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत हर किसी को हर घर में पड़ती ही रहती है। इसके लिए नॉर्मली हम फोटोग्राफर या स्टूडियो के पास जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लंबा वेट करना पड़ता है और पैसे भी लगते हैं। आज की वीडियो के बाद आप अपनी जितने मर्जी जैसे मर्जी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ घर बैठे बैठे खुद बना सकते हैं, वो भी फ्री में। कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। छोटा सा डेमो देख लीजिए, जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैंने खुद ही बनाई है और ये काना की फ़ोटोग्राफ है। आप देख सकते हैं कि पहले बात तो ये कि क्लियरिटी देखिए इसकी, और कितनी फ़ोटो हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 ऊपर हैं, उसके बाद ये 5 है, 5 है, और ये लगभग 30 फ़ोटो के करीब यहाँ पर एक झटके में यानी कि चुटकी में बन गए। आप इससे कई ज़्यादा बना सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से साइट पे आ गए हैं जहाँ पर कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेकर ये साइट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड फ़ोटो। इसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपने पहले से कोई फ़ोटो खींची हो आपकी उसकी आप बना सकते हैं साथ में, पर सेम टाइम भी फ़ोटो खींच सकते हैं और आपका बैकग्राउंड और कपड़े सारे चेंज हो जाएंगे, सिर्फ थोपड़ा आपका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो खींच रखी है, बना भी रखी है, देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो ले ली, तो मैंने इस वाली फ़ोटो को ले लिया है और इसे कर दिया डन। डन करते आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे टाइम लगेगा और यहाँ पर जो फ़ोटो है वो आ जाएगी थोड़ी देर में। और इससे जो साइट है इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधा यहाँ तक आ सकते हैं। पहले सबसे पहले पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ आपको देखने को ये मिल रहा है। अब आप देख रहे होंगे फोटोग्राफ तो है लेकिन यहाँ पर देखो बैकग्राउंड क्या, ये वाइट है ना। साथ में आप कपड़े देखोगे तो मैंने एक टी शर्ट सा पहना हुआ है, हम इसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना होगा और थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आप जाओगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर कलर, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले हम कलर पर क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया है, और अब आप यहाँ पर देखोगे तो कोई सा भी कलर आप लगाओगे तो ये इसका चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखो तो ये चेंज हो गया, फिर से हमने ये वाला कर दिया, फिर से हमने ग्रीन कर दिया है, हमने ब्लू कर दिया है, चाहे ब्लैक कर दिया, कोई सा भी आप रेड कर लीजिए, कोई सा भी कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है कलर वो देख सकते हैं, फिलहाल मुझे रेड वाला कलर ये ठीक ही लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कपड़े चेंज करने के लिए, है ना, ऑप्शन आप देखोगे एक बार तो ये रहा, ये इस तरह का कपड़ों का आइकन मिलेगा और यहाँ पर आपको तीन तरीके से कपड़े चेंज कर सकते हैं। पहला या तो बच्चों के अकॉर्डिंग, मेल के अकॉर्डिंग और फीमेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो तीन तरीके से आपको मिलेंगे। सबसे टॉप में मिलेगा यहाँ पर मेंस, उसके बाद देखो वोमेंस हैं और बगल में चिल्ड्रंस हैं। तो मैं मेंस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे ये यहाँ पर ड्रेस मिल गए हैं। और फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी एक ड्रेस लगा लेता हूँ, आपको डेमो ही तो दिखाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हमने कर लिया है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और यहाँ पर जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। किस तरह से हम एक फ़ोटो को बहुत सारे बनाएंगे, और आप देखोगे तो ये वाली ड्रेस यहाँ पर आ चुकी है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई भी यहाँ पर चेंज अंतर नहीं दिख रहा आपको। आपको फॉर्मल लगना है तो फॉर्मल लगने के लिए आप यहाँ पर कोई सा शर्ट लगा लीजिए, और ये जैसे करके आप टाई वाला लगाएं, कोट वाला लगाएं, शर्ट वाला लगाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे, और अब आप देख रहे हैं कि ये जो शर्ट चेंज हो गई है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है और फिर से ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको मिलता है क्रॉप का, सबसे टॉप में एक क्रॉप का आइकन मिलेगा यहाँ पर इस तरह से। आपने वाले ऑप्शन में जाना है और क्रॉप वाले में आपको यहाँ पर पेपर साइज़ पे क्लिक कर देना, कोई सा पेपर साइज़ आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर जो पेपर साइज़ है वो आप A4 साइज़ ले लीजिए। तो ये हमने A4 साइज़ पे कर दिया है और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी सारी फ़ोटोज़ हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे और जूम करके दिखाता हूँ आपको और क्लियरिटी नज़र आएगी।
और ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर नज़र आई हैं, और आप इन्हें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो किस तरीके से आप इन फ़ोटोज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मली इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट साइज इंडिया, तो ये जो इंडिया में जो भी हमारे देश भारत में जैसे टाइप के फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की ज़रूरत पड़ती है वो साइज़ आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो सेट हो गए हैं, और आप इस तरह से अपनी फ़ोटो बना सकते हैं। अब आप इसे क्या करेंगे वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। नीचे ही आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ये डन का है ना, सबसे टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलेगा, डन पे आपने क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी वो क्या थी। ये हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी और हमने उसे क्या बना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जो हमारी ये फ़ोटो यहाँ पर बन चुकी है और अच्छी खासी बढ़िया प्रोफेशनल लग रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा राइट में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, यस ये मिलेगा डाउनलोड HD, है ना, यानी कि हाई क्वालिटी से ये बनते हैं। और आपको यहाँ पर डाउनलोड HD पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, एक मिलेगा आपको PNG, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि आप इसे PNG में भी कर सकते हैं डाउनलोड, और JPG में भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है वो JPEG में होती है, तो JPG में भी कर सकते हैं, PNG भी आपको बहुत काम आती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड का, सिंपल सा हम इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, क्लिक करते ही थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और फाइनली फ़ोटो जो है वो हमारी डाउनलोड हो रही है। और आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन में डाउनलोडिंग का ऑप्शन आया है, यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करते ही आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये शो होने लग जाती हैं, और ये टोटली जो फ़ोटो हैं ये सेव हो चुकी है। एक बार हम इसे जूम करके देखते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये फ़ोटो लग रही हैं, और एक नहीं बल्कि सारी की सारी बहुत ही कमाल की फ़ोटो हैं दोस्तों। इसका नाम है कटऑफ प्रो, है ना, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये एक तरह से PDF और JPG फॉर्मेट में हो गया है। जब भी आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी सिंपल सा आपको जाना है अपने प्रिंटआउट पे, है ना, और प्रिंटआउट पे एक बढ़िया सा जो पेपर वाला फ़ोटो वाला पेपर है वो लेके जाना है, इसे प्रिंट कर लेना है, और बढ़िया तरीके से आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो भी बिल्कुल जितनी आपको चाहिए उतनी आपको ये मिल जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करना है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जय हिंद।